जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। निबंधन की संख्या एवं अंतिम रूप से आवेदन भरने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण अंतिम तिथि जो थी वो 15 से 19 तक विस्तारित कर दी गई थी। यदि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20/7/23 से 22/7/23 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, जो आवेदन की तारीख है वो 19 से लेके अब 22 तक जो है विस्तारित कर दी गई है, लेकिन इसके लिए जो है आपको अतिरिक्त शुल्क जो होगा देना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार करने का लिंक भुगतान करने के पहले तक उपलब्ध होगा, जो विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/7/23 तक ही उपलब्ध रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके उपरांत अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी, ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया, यानी कि एक बार फिर से जो है वो आवेदन की तारीख को विस्तारित किया जा रहा है। 20 से लेके 22 तक जो है आप निर्धारित शुल्क तक जो है अतिरिक्त शुल्क देकर जो है आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी अभ्यर्थी ने अंतिम समय में जो है अपना आवेदन किया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हैं क्या मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 23/26 है, यानी कि 20/23/26, ये तो आगे के नंबर हैं, ये सेम हैं। और इधर है अभ्यर्थियों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, तो देखिए 8,73,772 आवेदन जो है वो अब तक आ चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी ने अभी अभी जो आवेदन किया है उसके बाद ये पता लगा है कि 8 लाख देख सकते हैं यहाँ पे 8,73,772 जो है वो आवेदन जो है अभ्यर्थी के आ चुके हैं। तो देख सकते हैं भाई, इतने आवेदन जो हैं वो आ चुके हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर देखिए, खबर आ रहा है के पाठक के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया जाएगा। पटना विधि समाता नियमित शिक्षक को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को यहाँ पे आदेश दे दिया है। कोर्ट से देखिए आया है कि के पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जो है वो जारी किया जाएगा। और देखिए लिखा है कि नियमित शिक्षक का वेतन देने का था आदेश और दिया नियोजित शिक्षक को। देख सकते हैं कि नियमित शिक्षक का वेतन देने का आदेश था, आदेश और दिया नियोजित शिक्षक का वेतन, तो गड़बड़ी इन्होंने की है। सुर्खियों में ये पहले से ही थे और अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं, पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और पटना हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट आ रही है सामने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस बार अपर मुख्य सचिव ऐसे आए हैं जो सुर्खियों में हैं और कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं जिससे कि सुर्खियों में लगातार वे बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।